अरे हिंडनबर्ग से जांच करवाएं तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है? मुझे इस संभावना पे बताइए क्या ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है? जब आप किया जाए तो आप जवाब दीजिए। क्या ये सेबोटाज नहीं हो सकता? क्या ये षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या ये जानबूझ के किया गया एक्ट नहीं हो सकता? क्या ये आतंकवादी घटना नहीं हो सकती? क्या आपके लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये घटना नहीं हो सकती है? आप समझाइए ना। जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा जी, मिश्रा जी, दो चीजें हैं। एक हादसा होता है, दूसरा वहां पर जो मेडिकल सुविधाएं हो सकती है वो दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, रेल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, विपक्ष के नेता ममता बनर्जी, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग गए वहां पर। अब ये एक हादसा हो गया, दुखद हादसा है, इतने लोगों की जान चली गई। अब मान लीजिए इस पर राजनीति भी हो रही है, पक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, एक दूसरे के नेताओं का नाम भी लिया जा रहा है, अब साजिश वाला भी एंगल आ गया। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर आप राजनीति के ही चश्मे से देखेंगे तो राजनीति क्या कहती है इस हादसे पर? अगर राजनीति होती है तो देखिए, पक्ष विपक्ष को जो करना है वो करेंगे। 100 बात की 1 बात, अगर पक्ष या विपक्ष और किसी प्रवक्ता इंटेलेक्चुअल को ये लगता है कि वाकई ये हादसा बड़ा है तो इसकी जांच भी बड़ी और बेहतर होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो RPF होता है उनसे करा दीजिए। अरे साहब, 300 लोग मर गए हैं रेलवे स्टेशन पे ट्रॉली लगाने वाला, सफाई करने वाले से आप जांच की मांग करवाएंगे कि उनसे? अच्छा, दूसरी चीज, रेलवे का जो सिस्टम है अभी जो बदला है, अब शांत रहिए, बीच में आप आ गए, मैंने बोला था आपको। यार ऐसा कपीस जी, ऐसा लग रहा है जैसे कल्प्रिट आप ही हैं, आप ही लगा के फिश प्लेट और सिग्नल बदला था। मैंने खत्म नहीं किया, आपने शुरू कर दिया। अरे सुन लीजिए, यहाँ घर के मीटर में भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो पता चल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वहां पे लगा है। कितने तरीके से, कितने इंटेलिजेंट आदमी वो रहे होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया कि इधर सिग्नल भी ग्रीन है, रेलवे लाइन का ट्रैक भी बदला है और कंट्रोल रूम रेलवे स्टेशन पे भी नहीं पता चल पा रहा है और जो हेड कंट्रोल रूम है वहां भी इस मैलफंक्शन की पता नहीं चल रही है। बड़े बड़े प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, आज आतंकवादियों के पास भी दिमाग आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। आईटी के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करिए, CBI को इन्वॉल्व करिए और NIA को इन्वॉल्व करिए। रेलवे देश के दुश्मनों के लिए हमेशा टारगेट रहा विवाद है, लेकिन लोगों को एक साथ आप लोग बहस कोई समझ पाएगा या सुन पाएगा? मैं वापस चलता हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, कपीस भाई साहब एक मिनट, एक मिनट आ रहा हूँ, मिश्रा जी आ रहा हूँ, कपीस भेजते हैं उनसे आप जांच करवाइए। कपीस जी एक मिनट शांत, जब दुर्घटना का एंगल है तो कम से कम टेक्निकल जांच हो जानी चाहिए थी, उसके बाद अगर उनको लगता कि नहीं इसमें ये एंगल भी है तो आप CBI इंक्वायरी करें। ऐसा लग रहा है कि इसमें क्रिमिनल अटेम्प्ट है, तभी तो CBI को क्लियर करने के लिए लाया गया है ना। आप ये चाहते हैं कि क्लीन चिट दे दिया जाए कि जी ये दुर्घटना है, CBI को इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि इस चीज की आशंका है कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपको पता चल गया क्रिमिनल मामला? नहीं, एक अनुमान, हर चीज अनुमान। अरे आपको पता चल जाता है कि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है 2024 में, चुनाव के पहले ही आपको पता चल गया कि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, तो अगर हम अनुमान लगा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? 2024 में आपके देश की जनता को दूर चटाएगी, 2024 में बंगाल की जनता बीजेपी को दूर चटाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये सब राहुल गांधी ने देख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसी देख रहे हैं, राष्ट्रीय देख रहे हैं, नहीं हो सकता है। अरे हिंडनबर्ग से जांच करवाएं तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा? CBI पे, NIA पे आपका भरोसा नहीं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आप मानेंगे? हिंडनबर्ग से जांच करवाया जाए? एके मिश्रा जी, IPC सेक्शन 80 क्या कहता है, 302 क्या कहता है? सर आप उसके जानकार होंगे, आप लॉ की फील्ड के होंगे, आप गोल गोल उसमें सेक्शन में मत घुमाइए। आप मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है? मुझे इस संभावना पे बताइए क्या ये क्रिमिनल अटेम्प्ट नहीं हो सकता है?
जब आप किया जाए तो आप जवाब दीजिए। क्या ये सेबोटाज नहीं हो सकता? क्या ये षड्यंत्र नहीं हो सकता? क्या ये जानबूझ के किया गया एक्ट नहीं हो सकता? क्या ये आतंकवादी घटना नहीं हो सकती? क्या आपके लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये घटना नहीं हो सकती है? आप समझाइए ना कि जब आप लीगल, आप खुद कानून के जान, देखिए कानून का एक मकसद है, मंत्र है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे जैसे हो। देश भर के लोग कि जहां से कहे कि इंक्वायरी सेंटर, अरे आप तो कानून को रोक रहे हैं। जुई जी कुछ ऐड करना चाह रही है, जुई जी मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब अगर इसकी जांच हो रही है, कोई जांच का एंगल है, इतना घबराना किस बात से? कोई कोई एंगल ऐसा होगा तभी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जुई जी रोक रहे हैं, जुई जी सरकारी काम में आप दखलंदाजी कर रहे हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि 300 लोगों की मौत का राज खुले, जो आपने सवाल उठाया जाए, जूही जी उसका रिप्लाई। हो सकता है कोई आदमी ऐसा मिला हो, ठीक है, एक आप क्यों नहीं चाहते? एक मिश्रा जी, एक मिनट दूसरे की भी बात सुन लीजिए साहब। टेक्निकल था, कॉन्स्पिरेसी थी, आ रहा हूँ कपीश भाई, एक मिनट आ रहा हूँ जूही जी के पास। जूही जी, ये एक मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है उसमें, मिश्रा जी अगर आप बात नहीं सुन पा रहे तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। आपने एक आरोप लगाया, जूही जी एक बात दीजिए, कहा कि अगर साहब कोई कॉन्स्पिरेसी है इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच से क्यों विपक्ष भाग रहा है? जूही विश्वास, मैं इतना बताना चाह रही थी अभी कि देखिए ये बता रहे थे कि ये मेन लाइन और लूप लाइन के गड़बड़ी हुआ है, सिग्नल में जो बैठे थे उन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी कर उन्होंने जांच की। ये जो रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ये सर्वर के थ्रू होता है, और वो सर्वर एक लॉक एंड की रूम में रहता है, कोई मामूली इंसान वहां पर घुस के चेंज नहीं कर सकता है, जिनको जानकारी है वही कर सकते हैं। तो ट्रेन के रेलवे का सिक्योरिटी कहाँ है? वो सिक्योरिटी उसमें छेड़खानी की हो, लोकल आदमियों को, लोकल एम्प्लॉई को पता न चल पाया हो, कंट्रोल रूम में सब कुछ ओके दिखा रहा है लेकिन पटरी बदल दी गई है। जयराम जी एक मिनट आ रहा हूँ, कपीश भाई एक मिनट आ रहा हूँ, जयराम जी कुछ अजीब बात है, जयराम विप्लव जी आप तो कानून को काम करने से, आप कानून को काम नहीं करने दे रहे हैं अपना, आप तो खुद रोक रहे हैं कानून को। जयराम जी आप बोलिए, समाजवादी जिला अध्यक्ष से जांच करवा लो, अब खुश रहेंगे आप, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से जांच करवा लो। लेकिन पहले जो जितने भी रेलवे की जांच टीएमसी के जो है, आप उसके साथ